मैंने सामने को मैंने बासलबी में यू आर वॉचिंग बासलबी ब्लॉग्स। थोड़ा कैमरा शेकी शेकी है लेकिन मैं आ गया हूँ इतने अरसे बाद फिर से ब्लॉग बनाने। तो ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं है ब्लॉग, मैंने कहा कि व्यूज़ अपने ना मेंटेन रहे तो इस वजह से मैं झंडा लगाने गई ब्लॉग ब्लॉग बना रहा हूँ। तो चलें अब चल के झंडा लगाते हैं। मैं आ गया हूँ छत पे, हमारी छत से कुछ कुछ ऐसा व्यू आता है। ये गांव के खेत नहीं है, ये हमारा पार्क है। यहाँ पे सेंसिटिव फुटेज भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो आपको रोड दिख रही है ये रोड नहीं है, इट्स अ रनवे। ये अभी हम झंडा लगाते हैं थोड़ा वाइड एंगल में। तो गाइज अब होगा टाइम लैप्स छोटा सा, हम लोग बना रहे हैं ना, टाइम लैप्स होना ज़रूरी है। चलें भाई शुरू करते हैं। अटैम्प्ट नंबर वन फेल, मेरा दोस्त आता है उसके साथ अटैम्प्ट नंबर टू भी करते हैं। लेकिन मज़ा बहुत आया, शुक्र है झंडा गिरा नहीं। गिरा है मतलब एज एन, ये देखिए अभी भी नीचे लग रहा है क्योंकि बांस इसका छोटा है और झंडा इसका बहुत बड़ा है। ये अभी तक का मेरा सबसे बड़ा झंडा है, जितने भी मैंने झंडे लिए हम सारों से बड़ा झंडा यही है। मैं का झंडा लहर रहा है ना, उसकी भी थोड़े से फुटेज आ जाए, लेकिन नहीं निकल रहे फुटेज सही से मेरे ख्याल में, तो मैं भी थक गया हूँ। अभी हम झंडे को रखते हैं नीचे जहाँ पे पड़ा था। अच्छा चलते हैं अंदर। चलो भाई हो गाइस,
हम अटेम्प्ट नंबर टू करने जा रहे हैं, झंडे को लगा रहे हैं। ये मेरा दोस्त दानियाल है भी, हम लगाने की कोशिश कर तो रहे हैं। जैसा कि आपको पता है मैंने यहाँ रस्सी लगाई थी, और टाइम लैप्स आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा। दूसरी अटेम्प्ट करेंगे अभी हम, लगाओ भाई आईपैड को साइड पे। चल पहले फोटोज उगा लेते हैं, पहले फोटोज उगा लेते हैं। यार वो ना मैं वहाँ पे इसे लगाऊंगा ना, नहीं लगाने के साथ मजा नहीं आएगा, तो इसके ऊपर रख के ना फिर हम। ये देखो भाई लेजेंडरी फोन्स, वो नीचे छुपा हुआ था यार। चल फोटोज लेने दे, छोड़ो मुझे। ये हमारा रनवे है, वो दूर जो पीली लाइट्स आपको दिख रही हैं, येलो लाइट्स, ये वाली, ये रनवे की लाइट्स हैं। ये सामने रनवे है, रनवे में आपको दिखा चुका हूँ। ये सेंसिटिव एरिया है, किसी ने देख लिया तो फिर ऐसी की तैसी करेगा बंदा। वो रात का टाइम है, वहाँ कहीं मुनाल दिखता है। ये हमारा पार ग्राउंड है बहुत बड़ा सिविल। ये हमारी दीवार है नीचे, यहाँ हमने रस्सी लगाई थी। अच्छा दानियाल भाई बात सुनो ना, इसको लगाना ना मैं बता रहा हूँ बहुत मुश्किल है। मैं झंडा पकड़ूंगा, आप रस्सी टाइट करना। हम फोटोज लेंगे इसके साथ, फिलहाल हम अब करेंगे कुछ झंडे के साथ तो करना पड़ेगा अब। और अभी मुझे नीचे गया था, मुझे पता चला कि इमरान खान का जलसा था 13 अगस्त को, जिसमें मैंने और मेरे भाई ने जाना था, फुल प्लान था, लेकिन अब वो प्लान कैंसिल हो चुका है क्योंकि इन्होंने यहाँ पे इजाज़त नहीं दी जलसा करने की रावलपिंडी इस्लामाबाद में। अबे तो दी है, वो खुद ही वहाँ चले गए। नहीं नहीं दी, अबे दी है वो, उससे ये टीएलपी या ये एमएनए हमारे ये बताएंगे। टीएलपी वालों ने कहा हम भी करेंगे उसमें, पीटीआई वाले कहते हैं तो गाइस लाइट के लिए फोन रखा है एक एक्स्ट्रा, अभी हम बनाने जा रहे हैं फोन भी बहुत अच्छा। अभी हम अटेम्प्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं, तो चलिए अब शुरू करते हैं। हेलो भाई, सो गाइस हमने झंडा लगा दिया बड़ी मुश्किलों से, मैंने लगाया अकेले ने जैसा कि आप देख सकते हैं, इन भाई ने लगाया, बड़ी मजदूरी इन्होंने की है। थैंक यू, अब आगे कुछ बोलने को बचा नहीं है इसलिए हम नीचे चलते हैं। सो गाइज हमने झंडा लगा दिया, हम नीचे आ गए हैं झंडा लगा के। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा, जैसे कि आप देख सकते हैं झंडा पीछे है, सॉरी पीछे लग गया है। गाइज होप यू लाइक दिस ब्लॉग, शेयर करें, सब्सक्राइब शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यार मैं बोलता क्या था, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।